एयर कट्टा वाला से देखा। दिस इज द फेस ऑफ द इंडियन आर्मी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अमरन के ट्रेलर पर। शिव कार्तिकेयन इसमें मेन रोल में होने वाले हैं, साई पल्लवी साथ में इनके लीड रोल में होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं। या भाई गो। और मैंने सुना है कि ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है मूवी। अच्छा, ये बंदा है क्या, रियल बंदा? हाँ ये, हाँ सही है, ये इनका रोल निभा रहे हैं। ज्यादा पुरानी स्टोरी नहीं है। कमल हसन सोनी पिक्चर्स, कमल हसन ने प्रोड्यूस किया है। जितने दूर ये समुद्र और आकाश है। इंदु रेबिका वॉल्स, 44 RR chooses you. Army official. Shiv Karthikeyan. Major Mukund Vardarajan. Rahul boss. क्या बात है? ओए मामूटी। बेटा, इंदु रेबिका वर्गीस। हाँ, यानी कि मामूटी इष्टमान है। तो मेरा एक लौता बेटा है और आर्मी में जाना चाहता है। ओ आर्मी हो? आर्मी मेरे लिए सिर्फ जॉब नहीं, इट्स माय लाइफ। आर्मी की जिंदगी का कभी कुछ भरोसा नहीं। बात तो सही। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? Ready, come back now. Repeat, come back now. I'll save every life I can and come back, sir. Okay. I'm proud of him being an army officer and me being an army wife. One country's freedom fighter is terrorist of another country. तुम हम से दूर रहते हो, ये ठीक है। Storm Ranger's approaching, sir! But at least safe रह सकते हो ना? तुझे खुद से दूर भेजने के लिए इतनी मुश्किल से पैदा किया? एयर कट्टा वाला सीन देखा? Of the Indian Army. Oh, Indian Army का चेहरा है भाई। अमरन। अप्पा बर्थडे पे आएंगे ऐसा बता रहे थे। क्या आप आएंगे? दिवाली अक्टूबर 31st। यार लास्ट में इमोशनल कर गया यार, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इन जो जिनका इन्होंने किरदार निभाया है, इन ये शहीद हो जाते हैं। और लास्ट में बेटी का डाल दिया कि अप्पा बता रहे थे वो आएंगे। तो हाँ, मेरे ख्याल से शहीद हो जाएंगे। वो जिस हिसाब से लास्ट में बेटी का सीन बताया कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, बेटी इंतज़ार करेगी और वो मेरे ख्याल से नहीं आ पाएंगे। वो एक बहुत इमोशनल सीन होने वाला है इस मूवी में। वैसे कैप्टन मुकुंद के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? हम ज़्यादा नहीं जानते। अगर आप लोग ज़्यादा जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना उनके रियल लाइफ के बारे में, जो भी आप जानते हैं। क्योंकि रियल सीन्स यहाँ पर यूज़ किए गए, काफ़ी फुटेज मैंने चेक किया। जैसे कि इनका जो जब इंट्रो किया था इस मूवी का, तब जो इनको मेडल वाला सीन था, साई पल्लवी का इंट्रो जब करवाया था, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साई पल्लवी एज उनकी वाइफ, तो नरेंद्र मोदी वहाँ बैठे थे, बराक ओबामा वहाँ बैठे थे, वहाँ पर मेडल लेने गई थी उनकी रियल वाइफ। तो उसी सीन में साई पल्लवी को दिखाया गया था कि उनका कैरेक्टर मतलब वो यू कर रही है। अच्छा अच्छा, तो उससे लग रहा है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शिव कार्तिकेयन का जो रोल है मेजर मुकुंद का, तो वो बहुत ज़्यादा ही बहादुर थे। एंड उनकी वो एक्चुअली में साउथ इंडियन थे, ये हमें नहीं पता था, लेकिन अभी ये मूवी देख के लग रहा है कि ऑब्वियसली वो साउथ इंडियन ही होने वाले हैं या होंगे, सॉरी होंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि उनकी रियल स्टोरी क्या है। बाकी अब मूवी जब आएगी तो उनकी स्टोरी हम अच्छे से फिल्म में देखेंगे। वैसे हमारे बहुत सारे ऐसे रियल हीरोज हैं जिनकी स्टोरी हमें तभी पता चलती है जब मूवी कोई बनती है। अदरवाइज कोई नहीं पढ़ना चाहता, न्यूज़पेपर कोई नहीं जानना चाहता कि हमारे हीरोज कहाँ शहीद हो रहे हैं, कैसे शहीद हो रहे हैं। कोई हमारा न्यूज़पेपर भी ऐसे हैं, जब मूवीज की स्टोरी सुनानी हो ना तो एक पूरा पेज लिख के, लेकिन वहाँ सरहद पर जब भी कोई शहीद होता है तो एक छोटी सी लाइन में आता है कि भैया आज हमारे इतने जवान शहीद हो, दैट्स इट, कहानी खत्म। छोटा सा आर्टिकल आता है, मतलब जो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पूरा पेज भर देते हैं, पूरा पेज भर देंगे जिससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ सरहद पर हमारे देश में के जो शहीद हो रहे हैं सरहदों पर, या फिर कहीं भी ऑपरेशन में शहीद हो रहे हैं हमारे आर्मी ऑफिसर्स, उनके लिए हम यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल लिख के महान बन जाते हैं कि भैया हमारा न्यूज़ चैनल बता रहा है लोगों को। तो ये मूवीज क्यों बन रही है, तो और हम इसको क्यों
राइज कर रहे हैं, मूवीज बनती है तब जाके हमें पता चलता है अरे यार इतने बहादुर व्यक्ति भी थे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इससे पहले मेजर देखी हमने, साउथ की एक मूवी थी मेजर, उसमें हमें एक कैरेक्टर के बारे में पता चला। इसके पहले अगर हम शेरशाह की बात करें तो उसमें हमें पता चला कि भैया ये कैरेक्टर भी था। बिल्कुल। एलओसी कारगिल देखी तो पता चला अरे यार इतने लोगों ने शहादत दी है हमारे देश के लिए। तो ये मूवीज से ही क्यों पता चलता है, हमारे न्यूज़पेपर्स को क्या हो जाता है, हमारे टीवी को क्या हो जाता है? मतलब बेसिकली हम ऐसे दो ट्रेलर रिएक्शन देने आए थे लेकिन थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं तो इतना बोल रहे हैं, माफ़ी चाहेंगे। बाकी आप लोग बताइए आपको रिएक्शन कैसा लगा, हमारा रिव्यू कैसा लगा, एंड अच्छा लगा तो भैया प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।